Hi, मैं हूँ पारुल और ये है World of Bollywood, your daily dose of Bollywood madness. The latest gossip, inside scoops, love stories, hate stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride. But first, let's check out the headlines. सोनू निगम अब क्यों नहीं बात करना चाहते हैं डॉन से मिली धमकियों पर? क्या इसके पीछे है कोई बड़ा गेम? पता लगाएंगे न्यूज ब्रेकर्स में. क्या करीना वाकई शुद्धि में स्पॉट करेंगी सिक्स पैक एब्स? ऋतिक के कुछ स्टेटमेंट से इन्वेस्टिगेट करेंगे इनसाइड आउट में. और साथ ही बताएंगे कि मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग से क्यों जंप करना चाहते हैं अक्षय कुमार. क्या डॉन के साथ हो गया है सोनू निगम का कोई सेटलमेंट? अगर आप इतनी चिंता दिखा रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच, चिंता ना करें क्योंकि चीजें अभी स्थिर हैं. या फिर सोनू ने टेक दिए हैं डॉन के सामने अपने घुटने? अब ये है कि मैं अपने ही देश में हूँ और मैं चाहूंगा कि मेरे दोस्त जो प्रेस में हैं एक कुछ वक्त के लिए ये दक्षिणा रखें कि ये उनका एक प्रोफेशन का हिस्सा है. सिर्फ ये सोचे मेरे पर्सपेक्टिव से कि क्या मुझे इस बात को और पावर होनी चाहिए, क्या ये ठीक होगा मेरे लिए, क्या ये मेरे परिवार के लिए ठीक होगा कि मैं इस बात के बारे में ज्यादा जिक्र करूँ, कि मैं ज्यादा ऐसी कोई बात बोल दूँ जो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, और या फिर मैं ऐसी कोई बात बोल दूँ जिससे इस बात को दूर मिल जाए. अभी बात आहिस्ता आहिस्ता मेरे कंट्रोल में आ रही है. क्या सोनू ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर डॉन के खिलाफ लिया है कोई स्टेप? या फिर पर्दे के पीछे चल रहा है कोई बड़ा गेम? अगर हम इस बात में ज्यादा बातचीत करेंगे तो इस बात को ज्यादा दूर मिलेगा और मेरे हाथ से बात करनी हो जाएगी. तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्लीज को जहाँ पे भी खत्म हुई यहाँ पे रहने दीजिए. Well, सोनू निगम की बातें सुनकर ये सारे सवाल तो उठने लाजमी ही हैं कि आखिर पिछले 3-4 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि अब सोनू अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से मिली धमकियों के इशू पर बात नहीं करना चाहते. आखिर क्या वजह है कि सोनू जो पिछले हफ्ते अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से फोन पर मिली धमकियों को इशू बनाकर सुर्खियों में छाए रहे, अब जब बारी आई कैमरे पर खुलकर बोलने की तो बात करने से बचते दिखे? I would love to answer all these questions, but actually we're here for something else that we have to discuss upon. सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि जब मुंबई पुलिस ने सोनू की हेल्प करनी चाही तो सोनू ने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट क्यों नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कोई और गेम ही चल रहा है? हम आपको बता दें कि रिपोर्टेडली सोनू ने पिछले हफ्ते ये स्टेटमेंट दिया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील उन्हें लगातार इस बात को लेकर धमकियां दे रहे हैं कि वो अपने वर्ल्ड टूर के करार को कैंसिल कर दुबई की एक स्पेसिफिक कंपनी के साथ अग्रीमेंट करे, नहीं तो वो मुंबई के एक रिनॉन इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ के साथ सोनू के रिलेशंस को पूरी दुनिया के सामने लाकर उन्हें एक्सपोज कर देंगे. मीडिया में ये मामला खूब उछला, लेकिन सोनू ने मुंबई पुलिस में इस बात की कोई ऑफिशियल कंप्लेन तक नहीं की. उल्टे सोनू ने डॉन को एक इमोशनल मैसेज भेजा और मामले को खत्म करने की कोशिश की. अब ये डॉन पर सोनू की गुजारिश का असर हुआ है या फिर बात कुछ और है? सोनू इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते. जाहिर है सोनू को इस बात का पता है कि किसी भी इवेंट में मीडिया उनसे इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड सवाल जरूर पूछेगा. मुझे पता था कि आप मुझसे यहाँ पे आके बातें पूछेंगे, उस फिर भी मैं इस हिम्मत से यहाँ पर आया हूँ. ऐसा कोई टिपिकल सेलिब्रिटी स्टार नहीं हूँ जो अपने देश की प्रेस से ईगो रखूंगा या मैं कुछ सोचूंगा कि प्रेस मैं जानता हूँ यहाँ पर काम है. अब ये है कि मैं अपने ही देश में हूँ और मैं चाहूंगा कि मेरे दोस्त जो प्रेस में है एक कुछ वक्त के लिए ये दक्षिणा रखें कि ये उनका एक प्रोफेशन का हिस्सा है. सिर्फ ये सोचे मेरे पर्सपेक्टिव से कि क्या मुझे इस बात को और पावर होनी चाहिए,
क्या ये ठीक होगा मेरे लिए, क्या ये मेरे परिवार के लिए ठीक होगा कि मैं इस बात की बात में ज्यादा जिक्र करूँ, कि मैं ज्यादा ऐसी कोई बात बोल दूँ जो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, और या फिर मैं ऐसी कोई बात बोल दूँ जिससे इस बात को दूर मिल जाए। अभी बात आहिस्ता आहिस्ता मेरे कंट्रोल में आ रही है। लेकिन फिर भी सोनू का मीडिया के सामने आना और अपना पक्ष रखने के बजाय मामले को दबाने की बात कहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद या तो डॉन के साथ सोनू का कोई सेटलमेंट हो गया है, या फिर ये उन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया था, वरना उन्हें पुलिस कंप्लेन करने में क्या प्रॉब्लम थी। सच क्या है और क्या है झूठ, ये तो सोनू ही जाने। लेकिन फिलहाल तो सोनू का ये मामला ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि आगे ये मामला क्या मोड़ लेता है। फॉर शोभित जिंदल, जिंग मुंबई। तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ मैं उन्हें कुछ नहीं, ये उनकी चॉइस है, तो ऑल द बेस्ट टू हर। सही है, अब ऋतिक कर भी क्या सकते हैं। चाहे फिल्म श्रद्धि में उनकी ऑपोजिट फीमेल लीड कर रही करीना कपूर सिक्स पैक एप स्पोर्ट करे या ना करे, ऋतिक के पास करीना को बेस्ट विशेस देने के अलावा कोई चॉइस भी तो नहीं थी। तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ मैं उन्हें कुछ नहीं, ये उनकी चॉइस है, तो ऑल द बेस्ट टू हर। खबरों की माने तो करण मल्होत्रा डायरेक्टेड एंड करण जौहर प्रोड्यूस्ड अपकमिंग फिल्म शुद्धि में करीना कपूर खान सिक्स पैक एब्स में नजर आने वाली हैं, जिस पर ऋतिक से जब रिएक्शन मांगा गया तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ मैं उन्हें कुछ नहीं, ये उनकी चॉइस है, तो ऑल द बेस्ट टू हर। I wish she was here though, if she would have seen this evening and had gotten the inspired like the way Zaid and I have been inspired, those six pack abs would be like nothing for her. सिर्फ इतना ही नहीं, फिटनेस फ्रीक ऋतिक ने बेबो को तो एडवाइस भी दे डाली। I wish she was here though, if she would have seen this evening and had gotten the inspired like the way Zaid and I have been inspired. Those six up back abs would be like nothing for her. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या करीना शुद्धि में वाकई सिक्स पैक एब्स में नजर आएंगी? वो छह पैक के जो एब्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है यार, दैट इज जस्ट एस्थेटिक। क्योंकि रिसेंटली शुद्धि के डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने इस बात से साफ इनकार करते हुए ट्वीट किया था, ओके फॉर ऑल दोज हु आर गेसिंग एंड आर एक्सट्रीमली इमेजिनेटिव, करीना विल नॉट बी स्पॉटिंग सिक्स पैक एब्स फॉर शुद्धि। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिल्म में करीना से रिलेटेड इतना बड़ा डिसीजन फिल्म के लीड स्टार ऋतिक की बिना जानकारी के लिया जाए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जाहिर है करण फिल्म से जुड़ी कोई भी डिटेल रिवील नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ऋतिक के इस स्टेटमेंट ने मीडिया को स्पेकुलेट करने पर जरूर मजबूर कर दिया है। सॉरी। खैर, अब हम इस सवाल का सही जवाब करीना से ही मांगेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि ऋतिक को हमने स्पॉट किया एक हेल्थ अवार्ड फंक्शन पर, जहां वो दिखे क्वाइट इंस्पिरेशनल। आई फील अनस्टॉपेबल, I feel unbreakable. I am the I am that I am. This evening, I feel like I can do anything. Nothing in the world is impossible for me. Life is more than what meets the eye. It's miracles do happen, but it's in our hands. You can change your world with your own two hands. That's what I've learned this evening. Ritik ke alawa, yaha brother-in-law Zaid Khan along with his parents Pankaj Udas, डायरेक्टर आर बाल्की और मंदिरा बेदी भी दिखे अवार्ड्स देते हुए। सो कुछ ऐसा रहा ये हेल्थ अवार्ड, जहां करीना के सिक्स पैक ऐप से लेकर ऋतिक की इंस्पिरेशनल बातों ने सबको एंटरटेन किया। Never give up. We have one life and we have two choices. One choice is give up. The other one is not to. Which one are you gonna choose? Never give up. Make your story the greatest story ever told. Let's learn today and let's get inspired and let's remember
that we have this one life and we can make it great no matter what. खबर आई है कि अक्षय अपनी फिल्म बॉस के प्रमोशंस के लिए मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग से जंप करने का मन बना रहे हैं। हालांकि फिल्म मेकर्स ने अक्षय को ऐसा कर अपनी जान जोखिम में ना डालने की सलाह दी है, लेकिन अक्षय उनकी बात मानने के लिए रेडी नहीं। वैसे अक्षय एक बार पहले भी फिल्म कमबैक क्रिश को प्रमोट करने के लिए ऐसा ही स्टंट परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन काफी अलग है क्योंकि सबसे ऊंची बिल्डिंग से जंप करने पर अक्की की जान को खतरा हो सकता है। वेल, वो खिलाड़ी ही क्या जो खतरों से ना खेला हो, लेकिन अक्षय एक फिल्म के प्रमोशन के लिए अपनी जान जोखिम में डालना भी तो ठीक नहीं है। अपनी फिल्म सरफ सरदार में एक बिंदास पंजाबी गर्ल का रोल प्ले करने वाली सोनाक्षी सिन्हा अब नजर आएंगी एक सीरियस पंजाबी सिस्टर के रोल में। दरअसल ये फिल्म बेस्ड होगी लेट सरबजीत सिंह की लाइफ पर, जिन्होंने एक प्रिजनर के तौर पर पाकिस्तान की जेलों में 22 साल बिताए। रिपोर्टेडली इस फिल्म में सोनाक्षी प्ले करेंगी सरबजीत की सिस्टर दलबीर कौर का रोल। इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे सुभाष घई। सुनने में आया है कि घई ने ऑलरेडी लेट सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर से नेसेसरी परमिशन ले ली है, एंड इन फैक्ट शी हैज गिवन द गो अहेड फॉर दिस फिल्म। ये फिल्म अर्ली नेक्स्ट ईयर ऑन फ्लोर्स जाएगी। वेल, ऑल्दो सोनाक्षी को दलबीर कौर के रोल के लिए फाइनल करने की खबरें आई हैं, बट द सर्च फॉर अ सूटेबल एक्टर फॉर सरबजीत सिंह रोल इज स्टिल ऑन। सुनने में आ रहा है कि सलमान खान ने सूरज बड़जात्या की अपकमिंग रोमांटिक फिल्म के लिए एक साथ 6 महीने की डेट अलॉट कर दी हैं। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट सलमान विल स्पेंड 6 लॉन्ग मंथ शूटिंग फॉर दिस फिल्म, और वो भी एक स्टार्ट टू फिनिश शूटिंग स्केड्यूल के थ्रू। और तो और, इस फिल्म के प्रमोशंस के लिए सलमान डेडिकेट करेंगे 2 होल मंथ्स। जाहिर है राजश्री बैनर के लिए सलमान का ये जेस्चर शो करता है कि सलमान राजश्री बैनर की इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड है। वाव है। वेल, ये फिल्म जून 2014 में ऑन फ्लोर जाएगी और दिवाली 2015 पर रिलीज होगी। सो गुड लक टू दीज 2 ऑन दिस रियूनियन। That is all that's making news for now. आपको हमारा शो कैसा लगता है ये आप हमें बता सकते हैं SMS करके Zing Space Feedback to 57575, और हमें ईमेल कर सकते हैं zing@znetwork.com. You can now follow us on Twitter. Log on to www.twitter.com/zingtv. So that's all for now, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinsel Town exclusively on Zing.